अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम आज सेकेंड ईयर फिजिक्स के उन लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं या जिनके बोर्ड पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैसे आप इन सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार कर अपने बोर्ड के अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, जो 5 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। लॉन्ग क्वेश्चंस किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड, ठीक है। इसको हम मोस्टली करेंगे पंजाब बोर्ड, ठीक है, पंजाब बोर्ड के लिहाज से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब बोर्ड में जाहिर सी बात है लाहौर बोर्ड, भावलपुर बोर्ड और डिफरेंट जो आपके बोर्ड्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम चैप्टर वाइज इसको देखते हैं। तो इधर सबसे पहले मैं पसंद करूंगा लिखना आपका पहला चैप्टर, चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है जी। इस चैप्टर के अंदर आपके पास टोटल है जी 5 लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तरतीब वाइज लिखता हूँ और बताऊंगा भी कि कैसे एक क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपका जो बोर्ड की शीट्स है उसके मुताबिक 3-3.5-4 पेज तक का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, ये अच्छा होता है, इनफ होता है। लेकिन आपने उसके अंदर खूबसूरती से लिखा हो, वाजिया चीज़ें नज़र आए एग्जामिनर को, भाई ये चीज़ भी लिखी है, ये चीज़ भी लिखी है, ये चीज़ भी लिखी है, फिर एग्जामिनर कहेगा यार दिल खुश हो गया, जानी ने दिल खुश कर दिया, इसको भी खुश कर दो, 5 नंबर दे दो, ठीक है। तो सबसे पहला मैं इधर लिखता हूँ आपका कूलम्स ला, सबसे पहले नंबर पर है जी कूलम्स ला। ये बोड़ा, ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। 5 है ये पहला है, इसमें लिखना क्या क्या है आपने। सबसे पहले कूलम्स लॉ लिखना है, उसकी पहले सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी, देन फिर आप उसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, देन फिर उसकी मैथमेटिकल यानी कि डेफिनेशन था मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन में जाकर आप उसकी थोड़ी थ्योरी लिखेंगे कब बना कैसे बना, फिर उसके बाद उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखेंगे, फिर उसके अंदर उसका कॉन्स्टेंट आ जाएगा, फिर कॉन्स्टेंट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसकी जो दो वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन करेंगे, फिर न्यूटन थर्ड लॉ के लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे, देन फिर मीडियम के लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पर आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखना है आपने। देन दूसरे नंबर पे आ जाइए गॉसेस लॉ, ठीक है। ये गॉसेस लॉ कैसे आता है? ये गॉसेस लॉ कुछ यूं आता है, वो कहता है डिफाइन गॉसेस लॉ, ठीक है। लेकिन ये 5 नंबर का है, तो 7 वो क्या कहता है, इसके आगे आप देखेंगे 3 एप्लीकेशन है, ABC। तो इसमें एप्लीकेशन बी और सी आती है, ए तो है ना सफेद वाली, वो नहीं आती, दूसरी दो एप्लीकेशन आती हैं, तो वो इधर मैं लिखता हूँ बी और सी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, ठीक है, और सी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स, ठीक है जी, ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। तो गॉसेस लॉ डिफाइन के साथ इन दोनों में से एक एप्लीकेशन के साथ ये लॉन्ग बनाकर अक्सर दे दिया जाता है। नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये स्टार्ट होगा आपका शुरू से, ये टॉपिक का बकायदा स्टार्ट से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, शुरू हो जाएगा, डेरिवेशन होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, एंड तक जाके फाइनल एक्सप्रेशन के बाद फिर आप इसकी थोड़ी सी, हमेशा आपका लॉन्ग ना फाइनल एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स पे नहीं एंड होना चाहिए, कोशिश करें उसके आगे थोड़ी सी थ्योरी लिखें। तो आप इसके एंड में थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, बताएंगे भी डायरेक्टली या चार्ज के इन्वर्सली है आर के, और लिख के ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन आपका एंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 12 से, ठीक है। उसके बाद इधर टोटल 5 है जी, ये मैं लिख रहा हूँ इधर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बाबा मिलिगन वाला, मिलिगन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? ये आप स्टार्ट में इसकी थ्योरी लिखेंगे, बताएंगे भाई क्यों किया,
इसमें वो चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसको चार्ज फाइंड करना चाहता था, ये वाली कहानी लिखेंगे, फिर इसकी डायग्राम आ जाएगी, वो आपने स्टार्ट में बनाने की कोशिश करनी है क्योंकि उसी को आप एक्सप्लेन करोगे, फिर मैथमेटिक्स आ जाएगी, फिर आगे एंड तक जाते जाते आप बताओगे कि भाई इस इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, बाकियों का जो फार्मूला है वो क्यूज इक्वल टू एन ई, जनरल फार्मूला इसका बनता है, तो यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाएगा। और लास्ट में अजी कैपेसिटर, ठीक है। अब ये कैपेसिटर ऐसे नहीं आता कैपेसिटर पे लॉन्ग के, नहीं हो गया कैपेसिटर, डिफाइन कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, देन फिर वो इसके दो पार्ट बना देते हैं, या तो ये इसके साथ पेयर बन जाएगा जैसे गॉजेस में बना, या दूसरे के साथ, या तो बन जाएगा वो कहेगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है जी। एक तो यहां तो इसके साथ जोड़ देगा, यहां कहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, समझ आई बात की, कि कैपेसिटर को यहां तो इसके साथ जोड़ दिया जाएगा पांच नंबर के लिए, इसको इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। ये थी आपके पांच लॉन्ग क्वेश्चन जो थे कहां से, चैप्टर नंबर 12 से। अब देखें जी चैप्टर नंबर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। ये आपके चैप्टर नंबर 13, इसके अंदर हमारे पास टोटल आ जाते हैं जी चार लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब ये चार लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, आपको पता है 12 और 13 का आपस में पेयर भी है, ठीक है। तो 12 के अंदर हमारा जो सबसे पहला है जो इंपॉर्टेंट है वो है जी ओहम्स लॉ, लिखना क्या है, स्टार्ट में ओहम्स लॉ की डेफिनेशन आ जाएगी, फार्मूला आ जाएगा, देन फिर एक्सप्लेनेशन में आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की, देन उसकी थ्योरी लिखेंगे, फिर उसको बताएंगे कि डायरेक्टली कैसे है, इन्वर्सली कैसे है, ओमिक कौन है, नॉन ओमिक कौन है, उनके एग्जांपल्स क्या है, और यहाँ पर फिर ये आपका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जिसे आप अल्फा बोलते हो, ठीक है, यानी कि रेजिस्टिविटी की डिफाइन पूछेगा या टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की, वो पूरी एक डेरिवेशन है वो करेगा, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 होगा किरचॉफ्स रूल से, ठीक है। किरचॉफ रूल्स में आपको पता है पहला रूल जो है वो पॉइंट रूल है, वो छोटा सा डिफाइन है, तो अक्सर वो पूछता है कि डिफाइन किरचॉफ्स रूल, लिख दिए। अब ओके एक्सप्लेन किरचॉफ्स सेकंड रूल या वोल्टेज रूल या लूप रूल, तो इसके साथ ही मैं तो लिखूंगा लॉन्ग में वो आपसे पूछेगा वोल्टेज रूल, लूप रूल या सेकंड रूल, ठीक है। तो ये आपका बन सकता है जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या बन सकता है, ये आपको पता है आगे वो व्हीटस्टोन वाला है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है ये आप लिखेंगे, फिर उसके अंदर होता क्या ये लिखेंगे, देन फिर आप व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन करेंगे, बट स्टार्ट में इसकी डायग्राम बनाएं ताकि एग्जामिनर को पता हो कि भाई बच्चे ने डायग्राम बनाई है और इसके लिहाज से वो आगे डेरिवेशन कर रहा है, एंड में इसका जनरल फार्मूला आ जाएगा, वो जो आपने लिखा था R1 over R2 और इज इक्वल टू R3 over R4, वो जो जनरल सा फार्मूला वो आ जाएगा, और फिर आप लिखेंगे भाई अगर इसमें से R4 जो RX है तो इसको ऐसे कर लेंगे और इससे मन ना रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये कहानी लिख देंगे तो तकरीबन 3-3.5 पेज आपके ये बन जाएंगे। ये थे आपके 2 चैप्टर, आगे हम चैप्टर नंबर 14 और 15 पर चलते हैं। अगर मतलब कि ये मैंने लिख दिए इधर, अगर आपने नोट करने हैं या आपने निशान लगाने हैं तो वीडियो पॉज करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएं जी इसको, बल्कि हम सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं, लो पेयर वाइज हम मतलब जा रहे हैं, लेकिन 16 के बाद मैं फिर 17 ही बताऊंगा, वो फिर ज़रा मिक्स हो जाता है। अच्छा इधर हमारे पास है जी चैप्टर 14, क्योंकि 14 का 15 के साथ है, 14 है जी इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ठीक है जी। ये आपके पास है चैप्टर नंबर 14, इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं जी टोटल जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं
एक दो तीन चार और पाँच, पाँच हमारे पास इधर बन जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले सॉरी पल के पाँच नहीं छः बनते हैं, सॉरी छः बनते हैं। अच्छा सबसे पहला है हमारे पास फोर्स ऑन आ, टॉपिक टू बन रहा है इस चैप्टर का ये वैसे, फोर्स ऑन आ करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर प्लेज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, ये आपके पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर वन, टोटल छः। अच्छा नंबर टू पे देख लेते हैं, टू पे आ जी आपके पास एम्पेयर्स ला, अच्छा अब एम्पेयर्स ला कैसे आएगा, एम्पेयर्स ला गोजिस की तरह ही आएगा, वो कहेगा व्हाट इज एम्पेयर ला, डिफाइन एम्पेयर ला। ठीक है आगे साथ ही वो इसी क्वेश्चन के साथ जोड़ देगा, क्या जोड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनाइड। ठीक है सोलिनाइड की वो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो आगे एम्पेयर ला के आगे बिल्कुल इसका सब टॉपिक है उसको इसके साथ जोड़ देगा, तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थ्री और टू। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर आ जाएगा आपके पास वो फोर्स होना चार्ज इन ना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर फार्मूला आपको पता है फिजिकल टू आई एल क्रॉस बी, और इसके अंदर आपको पता है फार्मूला एफ इजिक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये क्वेश्चन नंबर आ गया जी थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में आपके पास वो आ जाता है ई बाई एम रेशियो वाला। ठीक है डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम रेशियो, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव, तो इसके अंदर आपने क्या लिखना है ई बाई एम वाले में, बताएंगे क्यों निकाली, मतलब के सॉरी क्यों निकाली कह रहे हैं भाई क्या होती है ये बताएंगे, देन फिर आप इसकी डायग्राम साइड पे है वो बनाएंगे, मैथमेटिक्स करेंगे सारा सॉल्व करेंगे, एंड में फिर आप निकाल लेंगे इसकी वैल्यू जो ई बाई एम है, वो ऐसे लिखी नहीं हुई, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर मास को पुट करके आप निकाल लेंगे, देन बताएंगे कि इससे हमने ये निकाल ली थी क्योंकि उसकी वजह ये बनी थी कि इसको कैलकुलेट इसलिए किया कि हमने मास को कैलकुलेट करना था, एंड में रीजन देके लॉन्ग क्वेश्चन को एंड कर देंगे। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें क्या करना है, इस लॉन्ग ये तो वैसे बिल्कुल एक छोटा सा ही है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर ना आपके पास एक डायग्राम तो ऊपर बनती है आपके इधर राइट साइड पे, जिसके अंदर वो मैग्नेट और कॉइल पड़ी, एक डायग्राम छोटी सी कुछ ऐसे करके ना दो एरोज ऐसे करके एन की शेप में बनी हुई है, ठीक है वेक्टर्स की शक्ल में, वो आपने इसमें लाजमी बनानी है। इसकी स्टार्टिंग करेंगे डेरिवेशन करेंगे और एंड में जनरल था आई बी ए, फिर सॉरी जो इसका था वो सिंगल लूप आई बी ए था, आप कहेंगे जनरल फार्मूला बन जाएगा इसका एन आई बी ए, यानी कि निबा वो किसके बराबर था, इसलिए था क्योंकि एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है जी गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर सेवन भी कभी कभी सी आर होता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट करंट, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसमें डेरिवेशन इतनी कोई खास है नहीं, जो आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर स्टोरिंग टॉर, फिर इसकी सेंसिटिविटी लिखेंगे, फिर डेड बीट गैल्वेनोमीटर की टाइप्स आ जाएंगी कि कौन से हैं वो जो हैं, फिर उससे ऊपर आपके पास वो लेबॉरेटरी जो हमारे पास लैब्स में जो गैल्वेनोमीटर होते हैं वो थोड़ा सा बता देंगे और ये एंड हो जाएगा, लेकिन ये थ्योरी में बहुत लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 जो है और चैप्टर नंबर 15, इसके अंदर हमारे पास ज़्यादातर सारे ही लॉन्ग हैं, तो इसमें टोटल हमारे पास जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाले हैं वो सात निकाले हैं। ठीक है तो सबसे पहला मोशनल ईएमएफ, दूसरा फैराडेज ला, मोशनल ईएमएफ आपको पता है इसकी एक डायग्राम है वो, फिर फैराडे ला इसकी भी एक डायग्राम है वो, फिर इसकी डेरिवेशन और एंड में कंक्लूजन और रिजल्ट। ठीक है उसके बाद
इसके बाद हमारे पास है फेडेला, देन है फिर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है जी। क्या चीज़ है म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी आपको पता है। इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन वो एक डायग्राम है, फिर उसके बाद इसकी डिपेंडेंस वाला एक पॉइंट आ जाता है किस किस पे डिपेंड करती है, फिर इसकी डेरिवेशन सी है, फिर इसमें जो म्यूचुअल कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है वो जब भी मैंने बताया, और एंड में इसकी डेरिवेशन एंड होने के बाद इसके यूनिट आ जाते हैं हेनरी, हेनरी को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इससे मिलता जुलता सेल्फ इंडक्शन, अब ये होती क्या पहले ये बताएंगे, फिर इसकी डेरिवेशन, फिर एंड में इसके भी वो हेनरी पे एंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आ जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है, कैपेसिटर से मिलता जुलता ये, ठीक है। उसके बाद 6 अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है, जनरेटर। उसके बाद ट्रांसफार्मर, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो एक ये है और एक ये है, दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो गए आपके चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट्स और लॉन्ग्स। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 16 पे, चार चैप्टर हुए हैं भाई, दिल थाम के बैठे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो ऐसे बोर ना हो जाना, बोर हो गए हो या नींद आ रही है तो पानी के छींटे मारो मुंह पे एक ज़बरदस्त करके, हैं चलो खैर। अभी हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 16 की जानिब, बड़े धूमधाम से चैप्टर नंबर 16 की जानिब रवा दवा है, और चैप्टर नंबर 16 का नाम है अल्टरनेटिंग करंट वा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट वा के आपके पास हैं टोटल चार शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला इसके अंदर हमारे पास आ जाता है आर सी या आर एल सीरीज सर्किट, ठीक है, यानी कि ये दोनों की सेंस में है, आर सी या आर एल सीरीज सर्किट, ठीक है। दूसरा आता है आर एल सी सीरीज सर्किट, ठीक है। तीसरा, अच्छा इसमें आपने क्या बताना है, आर सी में आपके पास कैपेसिटर रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद ये आ जाता है दो चीज़ें आ गई, फिर आपने बताना है कि इसकी डायग्राम, फिर एक तो इसकी जो क्या कहते हैं सर्किट डायग्राम है वो आ जाएगी, फिर इसके अंदर वेक्टोरियल डायग्राम है वो आ जाएगी थोड़ी सी, फिर उसके बाद इसके अंदर इसकी डेरिवेशन सी है, कौन बड़ा है कौन कम है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है इन दोनों में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये सी आर है तो वो डायग्राम सी आ जाएगी, फिर इसके अंदर इम्पीडेंस का फार्मूला आ जाएगा और एंड में ये एंड हो जाएगा। फिर सेम इसके अंदर आर एल सी सीरीज सर्किट में क्या है कि इसकी डेरिवेशन है, इसके वो एक वेक्टर डायग्राम से वो ऐसे टी सा बना हुआ है वो बनाएंगे आप, फिर इसकी सर्किट डायग्राम आ जाएगी, फिर इसके करैक्टरिस्टिक बड़े इंपॉर्टेंट है वो आपने इधर लिखने, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन इधर से, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है प्रिंसिपल ऑफ, ये काफ़ी काम आता है ये वाला प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ये बड़ा है इतना काम है, फिर ठीक है। उसके बाद लास्ट में जी मॉड्यूलेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, कितने किस्म इसमें वेव होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, फिर दोनों टाइप्स को अलग अलग एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये मॉड्यूलेशन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये आसान था, उसके बाद चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। इसके अंदर आपके पास टोटल हैं चार हमारे पास है जी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, वो आपको पता है ये ग्राफ वाला वैसे करके ग्राफ बनता है यूटीएस जिसमें वो फ्रैक्चर स्ट्रेस वो सारा कुछ आता है, तो ये वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ग्राफ बनाएंगे और उसको पूरे को एट द एंड तक एक्सप्लेन करेंगे। शुरू में एक पैराग्राफ है कि भाई हमने किसके लिए किया है, एक वायर के लिए किया, एक मशीन में उसका ग्राफ रिकॉर्ड किया, वो ग्राफ ये है, फिर ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे एंड तक एक्सप्लेन करते जाएंगे, ब्रिटल सब्सटेंसेस तक ये आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इससे नेक्स्ट ही बिल्कुल ये आ गया है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास है जी एनर्जी बैंड
थ्योरी, ठीक है। ये एनर्जी बैंड थ्योरी जो है ना, ये वाला जो लॉन्ग है ये ऐसे भी आ जाता है, या इसके साथ अक्सर वो जोड़ देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, आपने बताना है जी पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि एनर्जी बैंड थ्योरी आ सकती है, या वो कहेंगे भाई एक्सट्रिंसिक या पी टाइप और एन टाइप सब्सटेंसेस जो हैं सेमीकंडक्टर, इनको ज़रा बताइए क्या होते हैं और इनके अंदर क्या हलचल है सारी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इधर अल्टरनेटिंग करंट के चार हैं और इसके भी चार हैं, इसके भी चार बने और इसके भी चार बने, इसका जो लास्ट है वो है हिस्टैरिसिस, ठीक है, हिस्टैरिसिस या हिस्टैरिसिस लो, तो इन दोनों में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो वाले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया चैप्टर नंबर 17 के बाद आ जाए जी चैप्टर नंबर 18 की जाने, 18 पे आई थिंक आपके तीन पेयर पूरे हो जाते हैं, तो जो जिन लोगों ने 16 18 का पेयर और पहले चार चैप्टर करने हैं तो वो यहाँ तक वीडियो देख के मस्त अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। लो भाई चैप्टर नंबर 18 किस पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 18 के अंदर हमारे पास है जी इसके अंदर भी टोटल तकरीबन चार ही बनते हैं, ठीक है, तो चार, सबसे पहला इसके अंदर वो है रिएक्टिफिकेशन, ठीक है। अब ये रिएक्टिफिकेशन आपने पढ़ी थी फुल वेव और हाफ वेव, तो इसके अंदर जो आएगा वो आएगा कौन से वाला, फुल वेव वाला, ठीक है, फुल वेव रिएक्टिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद है जी ट्रांजिस्टर एज एन क्या चीज, एम्पलीफायर, वूफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर, है जी एम्पलीफायर। उसके बाद आ जाता है जी ओ ए एम पी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इनवर्टिंग, ठीक है। और नंबर 4 पे आ जाता है ओ पी एम्पलीफायर एज नॉन इनवर्टिंग, ठीक है जी। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये दो ही हैं, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 19 आ जाता है जी डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कितने हैं, ये दल मैंने ना लिखे हुए हैं, इसके अंदर भी हमारे पास चार लॉन्ग क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है, वो चार लॉन्ग क्वेश्चंस इधर लिख देते हैं जी चार। सबसे पहले नंबर पर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर भी डायग्राम 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 है, ठीक है, तो सब में डायग्राम है 18 चैप्टर में। अच्छा हाँ, चैप्टर नंबर 19 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डायग्राम है, वो सर्किट डायग्राम है, फिर क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर इसके तीन वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मतलब के जो हमने देखे थे कि इसके अंदर जो कंक्लूजन्स थे हमारे वो आ जाते हैं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक टाइप, ठीक है। फिर आइंस्टाइन की कभी कभी वो कहता है व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या डिफाइन या एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी, तो आइंस्टाइन की थ्योरी पे फिर आप इसे एक्सप्लेन करते हो, वो आगे जो लिखा हुआ है वर्क फंक्शन, तो इसके अंदर वो फार्मूला शार्मूला आप सारा साथ ही लिख सकते हो, ठीक है। और आगे फिर फोटो डायोड वाला टॉपिक आता है, उससे ऊपर ऊपर तक या आ जाता है, तो ये पूरा आप तैयार कर लें, ये किसी भी पेयर की शक्ल में आ सकता है, या तो वो कहेगा सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके जो कंक्लूजन है वहाँ तक, या वो कहेगा इसको एक्सप्लेन करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन की थ्योरी, वो वाला भी साथ इंक्लूड हो सकता है। फिर उसके बाद है जी कॉम्पटन्स इफेक्ट, तो इसकी भी डायग्राम है, तो ये भी आपके पास रहता है, लेकिन इसकी डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला, तो आप लिख के इसको एंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर है हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथीसिस, ठीक है। अब डी ब्रोगली हाइपोथीसिस भी खाली पूछ सकता है भाई, यानी कि डिफाइन मैटर वेव्स एंड वो हाइपोथेसिस के बारे में आप बताएं कि ये कैसे चली थी, ब्रोगली ने क्या किरदार अदा किया और एंड तक इसका कंक्लूजन, यहाँ वो पूछ सकता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यानी कि मैटर वेव्स के साथ वो एक नई टर्म लगा सकता है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस, या जो इसका रिजल्ट था किसका, या एक्सप्लेन करें इसे
इन दो बंदों की कारकर्दगी पर, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो इन दो बंदों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको एक्सप्लेन करें और सर डी ब्रोगली को वो जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूव करें, ठीक है? तो ये आ सकते हैं। अच्छा ना लास्ट है जी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एक ये है और एक ये है, ठीक है जी? लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ही है सारे, तो ट्राई करें सारों को तैयार करें। लेकिन जो अच्छी तरह तैयार करने, मतलब आप इतनी एबिलिटी नहीं है कि भैया आप सारे अच्छी तरह तैयार कर सकते हो, तो आप जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है जी? तो अगर नोट करने तो निशान लगाने साथ साथ लगा लो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लगा लो। अच्छा रह गए जी आपके दो चैप्टर्स, ठीक है? चैप्टर नंबर, चलो भाई चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 20 में क्या कहता है चैप्टर, अबे यार चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसके अंदर हमारे पास हैं जी चार, इसके अंदर भी हमारे पास हैं जी चार इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला है हमारे पास इसके अंदर बोहर पास्टुलेट और डी विद, यानी कि बोहर के पास्टुलेट, बोहर्स पास्टुलेट विद डी ब्रोगली। 19 चैप्टर नहीं है ये, 20 चैप्टर है। इसके अंदर भी एक छोटा सा टॉपिक है डी ब्रोगली का, डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन, ठीक है? तो बोहर का जो पास्टुलेट जो है वो वेव वाला, वो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के लिहाज से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये इसके अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? इसके बाद दूसरे नंबर पर ये बन सकते हैं जस्ट क्वांटाइज्ड रेडाई या दूसरा इसके साथ जुड़ सकता है क्वांटाइज्ड एनर्जीज या वेलोसिटीज, ठीक है? तो ये तीनों में से कोई एक जोड़ सकता है या किसी दो को वो जोड़ सकता है लॉन्ग बनाने के लिए। अच्छा थर्ड नंबर पर है करैक्टरिस्टिक, थर्ड नंबर पर है सॉरी करैक्टरिस्टिक कह रहा हूँ वही मैं कंफ्यूज हो रहा था, इनर शेल ट्रांजिशंस, ठीक है जी? ये आपके पास है थर्ड नंबर पर, मैं बोल रहा हूँ शायद इंक इसकी पॉइंटर की खत्म हो रही है तो नजर ना आए, इनर शेल ट्रांजिशन, वो एक्सरे वाला पूरा, फिर उसके बाद लेजर, लेजर क्या होती है, और साथ वो जोड़ सकता है एच ई एन ई लेजर, हीलियम न्योन लेजर को वो लॉन्ग में पूछ सकता है, ठीक है? तो जहाँ पर डायग्राम बनती है या बुक ने बनाई हुई है या आपके टीचर ने या मैंने उस डायग्राम से बनाकर आपको लॉन्ग समझाया पढ़ाया, तो वो डायग्राम भी आपने साथ बनानी है, तभी आपको पूरे नंबर 5 मिलेंगे, ठीक है जी? तो जो कंडीशनल या जिसके अंदर वो कहता है कि डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखो, तो वो डायग्राम फिर इसका मतलब उस लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, तो इसलिए उसे भी लाजमी बनाएं। अच्छा चैप्टर लास्ट 21 है जी, ओहो न्यूक्लियर फिजिक्स पे। अच्छा इसके अंदर इम्पोर्टेंट रह गए, इम्पोर्टेंट ये ठीक है, तो बाकी भी हैं लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आप कहते हैं यार मैं दो ही कर लूँ तो ये कर लो, शायद इन दो में से कोई एक आधे पर आपकी किस्मत चमक जाए, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 21 के अंदर आपके पास है जी चार है ज़्यादा, लेकिन मोटे मोटे जो हैं वो चार ही बनाए हैं मैंने। तो सबसे पहला है जी मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है? स्टार्ट में आइसोटो वाले टॉपिक से आगे ये है मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ। अच्छा इसके अंदर भी एक डायग्राम सी है, ये उसकी जैसी ही मिलती जुलती डायग्राम है चैप्टर नंबर 14 में जो ई ओवर एम रेशियो वाला है, उससे मिलती जुलती ये डायग्राम है मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ की, ठीक है? उसके बाद डेरिवेशन भी तकरीबन वैसी ही है। उसके बाद है जी जी एम काउंटर या विल्सन क्लाउड चैम्बर, ये दोनों में से एक आ सकता है। जी एम काउंटर ये आपके पास जो रेडिएशन डिटेक्टर्स वाला टॉपिक है उसमें है, जीएम काउंटर या विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन, जब आप वो देखते हो
तो सॉरी रेडिएशन डिटेक्टर्स, वो तो 19 में है। रेडिएशन डिटेक्टर्स में सबसे पहले ये आता है, फिर ये वाला आता है, तो ये दोनों में से एक कोई एक आधा कभी कभी पकड़ लिया जाता है। तो बाय द वे इसकी भी डायग्राम है पूरी, वो है लेकिन थोड़ी सी कम्प्लेक्स सी है, इसकी भी है लेकिन इसकी थोड़ी मतलब उससे सिंपल सी है, मतलब एक आयनाइजेशन का वो आपने छोटा सा चैम्बर बनाना और बैटरी शैटरी कनेक्ट करनी है, तो इसकी ईजी है, लेकिन दोनों की है तो कोशिश करें आप बनाएं, ठीक है। उसके बाद थ्री न्यूक्लियर रिएक्टर्स और उसके पार्ट्स, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, ये लॉन्ग में आ सकता है, यहाँ वो कह सकता है व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर, फिर उसके मेन पार्ट्स, तो इट्स पार्ट्स लिख देते हैं साथ, और लास्ट, इसके अंदर भी चार है, लास्ट आपके पास है जी न्यूक्लियर फिशन, मोस्टली फिशन आता है, फ्यूजन भी आता है कभी कभी, लेकिन मोस्टली फिशन वाला आता है, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये वाला है या ये वाला है, इन तीनों में से, तो इन तीनों में से, इन दोनों में से ये मैं बता रहा हूँ कि दोनों में से ज़्यादा जो है ना वो फिशन वाला है, न्यूक्लियर फिशन वाला है, ठीक है जी। ये थे आपके सेकेंड ईयर फिजिक्स के 21 यानी कि टोटल जो 10 चैप्टर्स हैं 12 to 21, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो अगर आप आइडिया लगाएं तो ऑन एवरेज 4 बनते हैं, यानी कि टोटल आपके 40 से 45, ठीक है, 40 से 45 ये लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, और इनके अंदर अगर आपने 3 पेयर तैयार करने हैं तो पहले चैप्टर के आपके 9 बनेंगे, यानी कि पहले पेयर के 12-13 के, फिर उसके बाद 9 और 11 बनेंगे 14 और 15 के, ये हो गए 20, फिर उसके बाद चैप्टर 16 और 18, 20 यानी कि टोटल 30 मैक्सिमम 30 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं 3 पेयर के। तो अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो आई होप इंशाल्लाह अगर यहाँ से आता है पेपर, यानी कि ये सिलेक्ट होते हैं, तो इंशाल्लाह आपके 15 में से 15 नंबर ये लॉन्ग क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बड़ी टेंशन में है कि पता नहीं तैयारी कैसे करनी है, उन्हें बताएं, ठीक है जी। खुदा हाफिज़।